पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। यहीं पे आएगा जिससे तुम्हें बात करनी है। जी वो हम कोई मानसिक रोगी नहीं, हम केवल अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं। नवरंग वन से हम यहाँ पर आए कैसे? यदि भाई जी ने इन्हें भेजा है तो ये इतने आश्चर्यचकित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये अचानक आ गए हैं इस युग में? धर्मेंद्र, एक क्षण, हमें लग रहा है इन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। युद्ध संकेत, हम धर्मेंद्र को युद्ध संकेत दे सकते हैं। हो सकता है उससे इनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। ये ध्वनि तो युद्ध संकेत स्वरूप उपयोग की जाती है, किंतु ये आ कहां से रही है? पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने ना पाए। अरे रोक, कहाँ जा रहा है? रोक, रोक। तारा, तारा, हटिए, हटिए। तारा, तारा। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, अपनी आंखें खोलिए, उठिए, अपनी आंखें खोलिए। कोई तो जानने वाला लगता है इसका, तभी इतना परेशान हो रही है। चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव, इन्हें बचा लीजिए, अन्यथा अपने प्राण त्याग देंगे। बचाइए इन्हें, कुछ कीजिए। सेनापति जी, अधिक समय बीत गया है किंतु अभी तक धर्मेंद्र वापस नहीं आया। अर्थात ये सत्य है, इस स्थान शापित है, जो भी कोई अंदर जाता है उसे निगल जाता है। बाहुबल के द्वारा हमें महाराज और राजकुमार से सत्ता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, तुम कैसे जानती हो इसे? तलवार क्यों निकाली इसने तुम्हारे सामने? हम कोई मानसिक रोगी नहीं। हम अभी अपना सत्य चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव को नहीं बता सकते, पर नहीं, हमें भी हमारे सैनिक के भांति मानसिक रोगी समझेंगे। यदि हम बता दें तब भी मान लोगे तुम तो हमें मूर्ख समझते हो। अगर सही से बताओगी तो मानूंगा क्यों नहीं?
यही तो उलझन है तुम्हारी और तुम्हारे इस युग की। सही बात को सही सिद्ध करने के लिए प्रमाण क्यों चाहिए सबको? आप लोग कितना कम आंकते हैं जीवन को, सोच ही नहीं सकते कि और भी संभावनाएं हैं जो संभवतः विज्ञान से भी परे हैं। विज्ञान से परे कुछ नहीं होता तारा, बस इंसान का वहम है और कुछ नहीं। है चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव, भाव है, भावनाएं है, भगवान है, इस सब विज्ञान से परे। किंतु तुम तो चिकित्सक हो, जब तक सीना नहीं चीर लेते हृदय कैसे देख पाओगे? धड़कन, नाड़ी, सब इन यंत्रों से देखते परखते हो ना। अनुभूति कहाँ होती है तुम्हें या तुम्हारे इस समाज को? बहुत प्रगति कर ली इस सदी ने, मस्तिष्क समझने लगे हो, किंतु मन को समझना भूल ही गए। जाने दो, हमें कुछ नहीं बताना, क्योंकि हमें तुम्हें जो बताना उसका प्रमाण नहीं है अभी हमारे पास। अब से हमारे ध्रुव से 3 फुट की दूरी बना के चलना। आगे से आ गया तुम्हारा किनारी बाजार, तुम यहीं उतर जाओ और घर चली जाना। मैं इसको देख लूंगा और तुम्हें इसका हाल भी बता दूंगा। जी, हमें घर के लिए सब्जियां भी लेनी है और दादाजी के लिए तुरंग भी लेना है। गाड़ी रुको। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका अपना दामाद डॉक्टर है, आपकी खुद की बेटी की शादी हुई है उससे, आप उसे छोड़कर ध्रुव को कनाडा भेज रहे हैं। I'm sorry बेटा, जब बात हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करने की हो और वो भी सात समुंदर पार कनाडा में, then I will choose ध्रुव बेटा। I know, I understand कि as a doctor आप हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे हैं, पर आप मेरे पापा भी तो है ना। आप मेरे बारे में भी सोचिए, आप अपने दामाद के बारे में भी सोचिए पापा, प्लीज 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 प्लीज। बेटा तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। मैं फंसा नहीं रही हूँ आपको, मैं फोर्स भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर आप करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। That's it. And I know that you love me. Love you, बेटा। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर तो नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। माधव सरकार, क्या करूं? इस जिद्दी को कैसे समझाऊं? उसे नहीं भेजना चाहिए था, इसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। क्या जरूरत थी उसे ऐसे भेजने की? इस शहर में नई है बिचारी, किसी और को नहीं भेज सकती थी वो तुरंग बाम और सब्जियां लाने के लिए। चिंता हो रही है हमें, काफी टाइम हो गया, लड़की का कुछ अता पता नहीं। नौकरानी है घर की, आप दोनों तो सर पे ही चढ़ा लो। सीधो सीधो रास्ता है किनारी बाजार से घर को। बाबूजी, राशन की दसियों दुकानें हैं, तुरंग बाम तो किसी भी दुकान पे मिल जाएगा। तुरंग आ चुका है। हमें तो पहले दिन से ही लग रहा था कि इस लड़की में टैलेंट है। 2-4 दिन हमारे साथ रहेगी तो कुछ कर जाएगी, इन्होंने कर दिखाया।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।